सो फाइनली दोस्तों टीवीएस कंपनी अपने अपाचे आरटीआर 125 को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको स्पोर्टी लुक, एडवांस फीचर्स और बेहतरीन माइलेज तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो भी आपको काफ़ी सस्ती देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आप लोगों को टीवीएस के अपकमिंग अपाचे आरटीआर 125 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ कि इस बाइक को कब तक हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसकी माइलेज और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस बाइक की जो लुक है वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी आपको इस बाइक की जो लुक है वो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करी जाए दोस्तों इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स के बारे में, तो इस बाइक में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि टीवीएस कंपनी अपनी बाइकों में फीचर से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। सो इस बाइक में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि इस बाइक में आपको कंप्लीट एलईडी का लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स भी मिलेगा। इसके अलावा बाइक पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट, स्लीपर असिस्ट क्लच और साइड स्टर्न इंजन कटअप सेंसर भी मिलेगा। बाकी इस बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम का सेफ्टी फीचर्स भी मिलेगा। बात करी जाए दोस्तों इस बाइक में मिलने वाले इंजन और पावर की, इस बाइक में आपको जो रेडर 125 में इंजन मिलता है सेम वैसे ही 124.8 cc का एयर एंड ऑयल कूल 4-स्ट्रोक BS6 इंजन मिलेगा, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 11.38 PS की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 10.9 न्यूटन मीटर का। माइलेज की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में आपको तकरीबन 60+ का माइलेज देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस 1,20,000 से 1,25,000 के बीच हो सकती है। वही लॉन्चिंग की बात करी जाए तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टीवीएस कंपनी ने अभी इस बाइक को जो है इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया है, और हो सकता है कि टीवीएस कंपनी बहुत जल्द टीवीएस अपाची आरटीआर 125 को जो है इसी साल के एंड तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर सकता है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक के लेकर कि टीवीएस कंपनी को जो है इस बाइक को हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाइक से रिलेटेड ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय।